नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों यहां पर देख लो महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर आ गए हैं। दोस्तों ये अपडेट है उन शिक्षकों के लिए जो 9 to 10 के लिए शिक्षक हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये अपडेट है और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आया है उनके आंसर की को लेकर। साथ ही हम यहाँ पर रिजल्ट के बारे में जानेंगे, TRA 3 का रिजल्ट कब आने वाला है उसके बारे में भी जाने वाले हैं। तो अपडेट नया नया निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि BPSC की माने तो अब हर हाल में कल जो है फाइनल आंसर की कर दिया जाएगा जारी। यानी कहा जा रहा है कि BPSC जो TRA 3.0 का जो 9 से 10 का जो आंसर की है फाइनल, वो भी आंसर की वो जारी कर दिया जाएगा कल जारी कर दिया जाएगा, हर हाल में कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। ये न्यूज़ सूत्रों के हवाले आया है और कहा गया है कि कल रात 8:30 बजे तक, जी हाँ, कल रात 8:30 बजे तक, 8:30 तक आपका क्या किया जाएगा, माध्यमिक का आंसर की जो है जारी हो जाएगा, ये कहा गया है। देख लीजिए ये खबर है और ये खबर कौन दे रहा है। दोस्तों ये खबर दे रहे हैं आपके न्यूज़ 18 पर भरोसा है, ठीक है, न्यूज़ 18 के पत्रकार आपको रजनीश कुमार होगा, उनके द्वारा ये अपडेट निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने न्यूज़ 18 को भरोसा दिया है और अब देर नहीं होगी। यानी आयोग के जो परीक्षा नियंत्रण से जब पूछा गया न्यूज़ 18 के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि अब देर नहीं होगी और आपका आंसर की जो है जारी कर दिया जाएगा और अब इंतजार किए हैं तो कल तक देख लीजिए और कल आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है 9 to 10 का। अब दोस्तों बात निकल के आती है कि TRA 3.0 का रिजल्ट कब आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने सभी का आंसर की जारी कर दिया है, चाहे 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, आपका 11 to 12, जिन सभी का रिजल्ट जारी हुआ है, जिन सभी का मतलब आंसर की जारी हुआ है। अब तो रिजल्ट जरूरी है क्योंकि लगातार अभ्यर्थी सोच रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, तो इसको लेकर भी अपडेट आई थी और ये अपडेट देख लीजिए है। जो अपडेट आपको जानना है कि एक तो सबसे पहले HM का और जो हेड टीचर है उनका भी रिजल्ट जारी खबर होगा और TRA 3 का भी रिजल्ट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। कहा गया है कि 10 अक्टूबर को आपको क्या जारी होगा, आपका TRA 3 का रिजल्ट जारी नहीं होगा 10 अक्टूबर को। कहा जा रहा है कि 10 अक्टूबर का जो HM का जो आपका वैकेंसी आया था उसका और जो हेड टीचर का वैकेंसी आया था उनका रिजल्ट जारी करने को बात कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो 50% आरक्षण पर रोस्टर क्लियरेंस बनेगा, लेकिन अब वही हम बात कर लें, हम तो बात कर रहे हैं TRA 3.0 का। दोस्तों कहा गया है कि TRA 3 के लिए भी रिजल्ट को मिल गई है हरी झंडी, ये कहा जा रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि बिहार में 38 जिले हैं, उसमें अभी लगभग 25 जिलों से क्या किया गया है, भेज दिया गया है रोस्टर क्लियरेंस। और कहा गया है कि रोस्टर क्लियरेंस जो है 1 अक्टूबर तक आपका जो है सभी जिलों से विभाग को रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त हो जाएगा। यानी आज 2 अक्टूबर हो गए तो 1 अक्टूबर तक आपका सभी जिलों से क्या हो गया है, प्राप्त हो चुका है रोस्टर क्लियरेंस। तो अब क्या होगा, अब आपका क्या होगा, रोस्टर क्लियरेंस तैयार हो गया, मतलब आपका रिजल्ट देने की बारी है, तो रिजल्ट भी आपका जारी होगा, लेकिन कब होगा। कहा गया है कि 6 अक्टूबर तक GDA के माध्यम से आयोग को रोस्टर क्लियरेंस का मिलेगा पत्र, लेकिन अभी रोस्टर क्लियरेंस तो मिल गया है, लेकिन 6 अक्टूबर का GDA से उनका एक पत्र मिलता है जिसे रोस्टर क्लियरेंस का पत्र कहा जाता है, वो मिलेगा तभी आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो 6 अक्टूबर को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब रिजल्ट की बात आती है कब आएगी, तो लक्ष्य कहा गया है कि 20 अक्टूबर से पहले TRA 3 का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य कहा गया है 100%, ठीक है। और लेकिन अब रिजल्ट जो है 65% पर जारी किया जाता था, आधार पर रिजल्ट जारी किया जाता है, लेकिन अब 50% के आधार पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट के जो रिजल्ट का अगर डाउट है तो वो क्लियर हो चुका होगा, साथ ही आंसर की का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों ये था आपका अपडेट। दोस्तों अगर ये वीडियो सुनाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, BPSC से आयोग से हर जुड़ी अपडेट पाए हमारे चैनल पर, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।